चलिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एक और नेता की हत्या की गई है। कूच बिहार में बीजेपी नेता कलाचंद की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता की हत्या पर न्यूज नेशन संवाददाता ने बात की पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष से। दिलीप घोष का क्या कुछ कहना है सुनिए जरा। बिहार विधानसभा में मिली जीत के बाद अब सबकी निगाहें बंगाल पर टिकी हुई हैं और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिलीप घोष जी हमारे साथ हैं। दिलीप जी, अगर संगठन के लिहाज से देखें तो आप लोगों को बंगाल की जो धरती है बहुत फर्टाइल लगती है, क्या मुख्य कारण है और किस तरीके की आप तैयारी संगठन के लिहाज पर कर रहे हैं? देखिए, जबकि भाजपा का स्थापना जनसंघ का बंगाल से हुआ है, लेकिन श्यामा प्रसाद जी का हत्या के बाद लीडरशिप नहीं मिली तो पार्टी पनप नहीं पाई, बढ़ नहीं पाई। अच्छे लोग थे हमारे नेता, लेकिन वहाँ जिस प्रकार की राजनीति होती है मैदान में उतर करके मार काट, तो उसमें हम उतना पारंगम नहीं थे, इसलिए पार्टी नहीं बढ़ा था। अभी पिछले 4-5-6 साल से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र की पूरा निगरानी है। माननीय अमित भाई जब प्रेसिडेंट थे, बार बार जाके हमारे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया, रास्ता दिखाया। 5-6 कार्यकर्ता वो वहाँ ऑब्जर्वर के नाते सालों से समय दे रहे हैं। उनकी जो योगदान है और कार्यकर्ताओं की जो भरोसा बढ़ा है और साहस बढ़ा है, उसके कारण लड़ाई शुरू किया। और एक सौ बीस के करीब कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है। हजारों केस, 28,000 केस चल रहे, लाखों की सारा ज़्यादा कार्यकर्ता इससे पीड़ित है। जेल में हजारों लोग हैं, घर से बाहर है पुलिस के अत्याचार के कारण। तो इस परिस्थिति में हम लोग फिर भी पूरा हौसला बना कर लड़ाई किया, लोगों का भरोसा जीता, तब ये पंचायत में भी हमने जीता। चलिए रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए समंदर में बाहुबली, बीजिंग में खलबली।